अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह के फजल करम से। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ कॉर्नफ्लोर का मीठा बनाने वाली हूँ, रिजल्ट बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने दूध गरम कर लिया है, इसको अच्छी तरीके से स्लो फ्लेम पे गरम कर ली हूँ और ये गाढ़ा गाढ़ा दूध है। ये यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं, 3 कप दूध ले रही हूँ यहाँ पे। यहाँ 1 चम्मच फुल छोटी बन मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है और 1-1 चम्मच इसमें डाल लेंगे, नहीं तो आधा, थोड़ा आधा सा डालेंगे इसमें। इसको अच्छे ठंडे दूध में मिला लेंगे, गर्म दूध में नहीं। मैं जो भी कर रही हूँ इसको ठंडा कर लेंगे, दूध को इसमें मिला रही हूँ मैं। हाँ, मैं उसी चम्मच से 1-2 चम्मच यहाँ पे शक्कर डाल रही हूँ, 2 से 3 चम्मच। अब इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे इसको। अभी मैं ये चूल्हे पे नहीं रखी, इसको ठंडे ही में, ठंडे दूध में इसको अच्छी तरह से मिला रही हूँ। यहाँ पे एक बॉल ले ली है, इसमें भी थोड़ा सा दूध डाल लेंगे अपन, 1/2 कप दूध डाल लेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं। मैं थोड़ा ही बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही। सपाट यहाँ पे 1 चम्मच से भी कम, जैसे इसको फुल नहीं ली मैं चम्मच, छोटी बन नहीं ली, इसको थोड़ा सा सपाट ले लिया। अब इसको मिला लेके इसको साइड में रख लेंगे अपन। इसका क्या करना है मैं बाद में बताती हूँ आपको। यहाँ पे चूल्हे पे रख ली हूँ मैं दूध, अब इसको लगातार हिलाते रहना है, रुकना नहीं है इसको। इसको लगातार एक साथ इसको हिलाते रहना है, आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते रहेंगे। ये देखिए अब अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है, बस इतने ही इसको काफ़ी है। अब इसको उतार लेंगे अपन, चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। और बहुत जल्दी और बहुत झटपट बनने वाली मीठा है ये, झटपट बनने वाला मीठा है ये, डिजर्ट है ये। चलिए अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे उतार लेके चूल्हे से। यहाँ पे मैंने एक डिश चढ़ा ली है चूल्हे पे, इसमें डाल लेंगे 1 कप को कुछ कम यहाँ पे मैंने शक्कर ले ली हूँ थोड़ा सा। अब इसको ऐसे ही रखेंगे थोड़ी देर तक। ले लिए है मैंने 2 बॉल और इसमें डाल लेंगे ये, आधा आधा डालेंगे, जितना हुआ उतना डालेंगे, एक में डालेंगे नहीं तो। इसको इसको फ्रिज में रख देंगे जमने के लिए, जब तक ये वहाँ पे शक्कर कैरामेलाइज हो रही है, जब तक इसको फ्रिज में जरा सा टप करके इसको फ्रिज में रख देते हैं। इसको ज़रा सा हिलाएंगे नहीं, ये पूरी पिघल जाना, पिघल के थोड़ा सा इसमें कलर आगे बढ़ने जब इसको हिलाएंगे, अब नहीं तो ये जल जाती, काली हो जाती, पूरा मीठा ख़राब हो जाता डिजर्ट। अब इसको हिला लेंगे, थोड़ी सी ब्राउन हो गई, फ्लेम को लो फ्लेम कर लेंगे इसको। अब इसमें डाल लेंगे अपन यहाँ पे, फ्लेम कर लेंगे बंद। दूध और कॉर्नफ्लोर को मिला के रखी थी, इसको जो है इसमें आहिस्ता आहिस्ता डाल देंगे। इसको ऐसे ही हिलाएंगे अपन। यहाँ पे थोड़ा सा मैं फ्रूट कलर डाल रही हूँ इसमें, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ फ्लेम को मैं लो फ्लेम पे रखी, इसको हाई पे नहीं रखी, एकदम जैसे ये हिलाते रहना है इसको, स्लोली स्लोली इसको हिलाते ही रहना। यहाँ पे देखिए ये भी अच्छा गाढ़ा हो गया, अभी थोड़ा सा पका लेंगे। शक्कर पूरी मेल्ट हो गई, पूरी भिग गई शक्कर। देखिए ये भी इतना गाढ़ा, बस है, ज़्यादा अब इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, घट हो जाता। ये ठंडा हुआ तो बराबर हो जाता। अब फ्लेम को कर लेंगे बंद। यहाँ पे
मैंने फ्रीजर में रखी थी, ये थोड़ा सा देखिए जम गया। अब इसके ऊपर ही ऐसे चमचा रख के डाल लेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे नहीं तो ये होल पड़ जाता। चलिए इस पे भी डाल लेंगे ऐसे। देखिए दो तय हो गई है। इसको थोड़ा सा बराबर कर लेंगे अपन से, इसको भी अच्छी तरह से बराबर करके इसको रख देंगे फ्रीजर में। यहाँ पे डाल लेंगे इस पे थोड़े से, ये गरम पे ही डाल लेंगे जम जाते अच्छे। यहाँ पे मैंने थोड़े पिस्ते लिए हैं, थोड़े बादाम, आप चाहे तो डाल सकते हैं या नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं ऐसे। चलिए अब इसको रखेंगे फ्रीजर में, जब तक है ये जम नहीं जाता जब तक फ्रीजर में। यहाँ पे देखिए डिजर्ट अच्छा बनके तैयार है, इसको थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। ये अच्छी तरह से जम गया अभी, देखिए आप इतने दो कलर इसमें अच्छे आ गए। वैसे ही रख देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं हम दो कलर आ गए इसमें। बहुत मज़े का और बहुत झटपट डिज़र्ट बन के तैयार है। यहाँ पे आपको जब भी खाना दिल मिला आप थोड़ी देर में बना ले सकते हैं, इसमें कोई नहीं है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नई रेसिपी लेके मिलूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।